सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियोस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल को डिलीट कैसे कर सकते हैं, वो भी परमानेंटली। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले अपना क्रोम एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्रोम एप्लीकेशन, ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे YouTube.com। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे YouTube.com। यहाँ पे हम YouTube.com सर्च कर लिए। ये देख सकते हैं, YouTube.com सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जैसे देख सकते हैं, आपका अगर डेस्कटॉप मोड में नहीं खुला हुआ तो ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आप लोग डेस्कटॉप साइट पर खोल लीजिएगा। तो डेस्कटॉप साइट में खोलने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका भी मोबाइल में। तो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं चैनल का लोगो रहेगा, तो इस पर चैनल वाले लोगो पर आपको क्लिक करना है। चैनल वाले लोगो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्यू एडवांस सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम व्यू एडवांस सेटिंग वाला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी, चैनल आईडी, मूव चैनल और डिलीट चैनल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे डिलीट चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ये खुल गया। ये देखिए, खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी का पासवर्ड है, यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले पासवर्ड डाल लेते हैं अपना। ये देखिए, हम अपना पासवर्ड डालिए, इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेंगे। हमारा खुल रहा है कुछ इस तरह का प्रोफाइल। ये देखिए हमारा प्रोफाइल खुल गया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ आई वांट टू हाइड माय चैनल या आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माय कंटेंट। तो यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट माय कंटेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं द फॉलोइंग विल बी परमानेंटली डिलीटेड। तो यहाँ पर हम इस दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट माय कंटेंट का ऑप्शन आ रहा फिर से, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टाइप इन योर ईमेल, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। जो ईमेल डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ईमेल डाल लीजिएगा एक बार। तो चलिए, यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल लेते हैं। ये देखिए हम अपने यहाँ पे ईमेल डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट माय कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम डिलीट माय कंटेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटिंग हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, रिमूव यूट्यूब कंटेंट, योर कंटेंट इज बीइंग डिलीटेड, योर कंटेंट इज द प्रोसेस इज बीइंग परमानेंटली डिलीट एंड सक्सेसफुल हो गया ये। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना डिलीट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यू मिनट्स, यहाँ थोड़ा देर के बाद या एक मिनट या दो मिनट के बाद हमारा यूट्यूब चैनल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने अगर YouTube चैनल को डिलीट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से अपना YouTube चैनल को डिलीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।